रहे हैं। अरे रोजगार लेके अखिलेश आ रहे हैं। अरे साइकिल सवार हो के, अब साइकिल सवार हो के अखिलेश आ रहे हैं। साइकिल सवार हो के अखिलेश आ रहे। बहुत बहुत बढ़िया। क्या क्या नाम आपका? रामो चौहान। क्या क्या माहौल है आपके? माहौल तो बहुत बढ़िया है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सपा सरकार अखिलेश यादव जी का। पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी यहाँ से विधायक होंगे। आजमगढ़ की क्या स्थिति रही है? 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी विधायक रहे भाजपा के, उन्होंने क्या क्या किया? बहुत बदतर स्थिति रही है भाजपा की। कोई उसका जो है कि जनता उनके विधायकों को खदेड़ रही है। पूरे प्रदेश में जो वीडियो वायरल हो रही है उसको आप देख ही रहे हैं। और एक तरह से पूरी तरह से सपा की लहर चल रही है, पूरे प्रदेश हासिल करेगी। आज प्रियंका गांधी ने आपके निजामाबाद में एक जनसभा की है और उन्होंने कहा था कि समाजवादी हो चाहे बसपा हो या भाजपा हो, जब NRC और CA का मुद्दा चल रहा था तो ये लोग कभी खड़े नहीं हुए, आखिर कारण क्या था? उनका कोई मतलब नहीं है, आपको खुद ही पता है। अब उनके बारे में हम लोग क्या बताएं। वैसे सपा का आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ से पूरी तरह से जो है लहर है, इसमें किसी का आता पता नहीं चलेगा। आजमगढ़ में तो किसी का खाता भी नहीं खुलेगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी 200 सीट जीत रही है। आपका क्या नाम बाबू? राम प्यारे यादव। राम प्यारे जी, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ पे 200 की 200 सीट जीत रही है समाजवादी पार्टी। 200 सीट जी हाँ, सपा के खाते में रहेगी। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार निषाद। संतोष जी, क्या माहौल है निषाद का? निषाद तो पूर्वांचल का एक बड़े वोट बैंक के रूप में जाना जाता है। जी सर है। तो लेकिन सभी लोग साइकिल के साथ हो गए निषाद वंश। हाँ हाँ, साइकिल के साथ। जी सर जी। इन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान भी है। ग्राम प्रधान भी? जी सर, ग्राम प्रधान। पूरा 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 ग्राम सभा एक साथ? हाँ हाँ हाँ, साइकिल के साथ। हाँ जी। तो जो प्रधानों की मीटिंग लगातार सरकारें कराई थी, तो उससे आप नाराज लग रहे हैं क्या? नहीं सर, कोई फायदा नहीं है मीटिंग वीटिंग सुन के। हाँ, रैलियों में आप भीड़ नहीं लेके गए कभी? नहीं, भीड़ लेकर गए थे तो थोड़ी ना कि हम उनके बधे हुए हैं। अच्छा, हम बस थोड़ी रहते हैं, प्रधान ग्राम ग्राम की सेवा करते हैं। हम जगह पे ऐसा मामला आया था कि प्रधानों को जबरदस्ती और सफाई कर्मचारियों को रैलियों में भीड़ ले जाने का भी मामला आया था। नहीं सर, हम लालच में थोड़ी ना आने वाले, लालच से थोड़ी नोट देते हैं। हमको विकास चाहिए। अच्छा, जो विकास के साथ रहेंगे हम। हम प्रधान 5 साल भाजपा ने क्या विकास किया सर? कोई विकास दिखाई दे रहा उनका आजमगढ़ में? आजमगढ़ जितना भी आजमगढ़ में काम सब समाज किया है। ये कह रहे हैं 5 साल में इनको विकास ही नहीं दिखा आपके आजमगढ़ में, ऐसी स्थिति थी क्या? हाँ, हमारा संगठन शेरे पूर्वांचल रमाकांत जी के साथ है। हाँ, बाबू जी के, और जीत रहे हैं बहुत वोटों से। हाँ, जीत जाएंगे जी। क्या चाचा, क्या माहौल है यहाँ? बहुत बढ़िया है, साइकिल बहुत तेजी से जा रहे हैं, जीत जाएंगे, कोई राय दो राय नहीं है, बहुत तेजी से। इस उम्र में भी साइकिल चलाना फायदेमंद है भाई। देखिए, जो बेकारी बढ़ी 5 साल के अंदर, और जितना ये लोग झूठ बोल के धोखा दिए, समाज को तोड़े, संविधान तोड़े, उसके खिलाफ जनता तैयार हो गई है इनको हटाने के लिए। एक तरफ से बिल्कुल जनता इनको हटाने के लिए खुल तैयार, पूरे उत्तर प्रदेश की। अच्छा, ये राशन और 2000 रुपए वाला मुद्दा काम नहीं करेगा? कुछ नहीं काम करेगा, धोखा दिया उन लोगों को, बेकारी कर करके इनको गुलाम बना रहे हैं लोग। अगर एक आदमी को नौकरी आप दे देते तो कम से कम 35 साल उसका परिवार चलता, पढ़ते रहते। 2 करोड़ रोजगार हमने दिया? अरे कुछ नहीं दिए हैं, केवल लवारी है, कागज में दिए हैं, कुछ नहीं दिया है, दिया कुछ नहीं है, केवल धोखा दिया है, बस झूठ बोले हैं, केवल झूठ बोले हैं, धोखा दिए जनता को। ये सही कह रहे हैं? झूठ बिल्कुल बिल्कुल भैया, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों के खाते में जाएगा, 15 पैसा मिला हो तो बताइए, कोई हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश का निवासी बता दे। जी कुछ नहीं हुआ है, संगीत के माध्यम से पूरे आजमगढ़ में छाए हुए हैं। अब सर, आप लोगों का आशीर्वाद, हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप जैसे सम्मानित लोग हम जैसे। पूरा यादव है का? हाँ सर, पूरा यादव बाहुल क्षेत्र का? पूरा यादव ही बाहुल क्षेत्र है। क्या माहौल रहेगा आपका? बहुत बढ़िया माहौल है। तो अबकी बार सरकार किसकी बनेगी? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। किन मुद्दों पे आप सरकार अखिलेश यादव ला रहे हैं? किन मुद्दों पे? मतलब विकास के मुद्दे पे। पाँच साल अखिलेश यादव, इसके पहले उन्होंने एक्सप्रेस वे पे बातचीत की, फिर लैपटॉप पे बातचीत की, फिर कन्या विद्याधन पे बातचीत की, फिर डायल 100 पे बातचीत की, लेकिन आप लोगों ने नकार दिया था, आखिर कारण क्या था? नहीं भाई, जनता है, अभी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं अभी इस बार,
अच्छा, इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा। ये फूलपुर पवई की जनता है, ये आजमगढ़ का अंबारी किला है, यहाँ से सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे रमाकांत यादव जी हैं, जो उनके समर्थक लगातार उनके पक्ष में बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार यहाँ पे एक बड़ा बदलाव जो है होने जा रहा है। और ये बिरहा गायक भोजपुरी भी कहा जा सकता है, भोजपुरी में बिरहा गा रहे हैं और गीत को सुना रहे हैं, लगातार मनोरंजन समाजवादी पार्टी का ये करा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए बदलाव के जो संकेत हैं, वहीं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में ये इनका मानना है कि अब की बार यहाँ से समाजवादी पार्टी की बढ़त मिलेगी। फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव।